हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं बताने जा रहा हूँ क्लास टेंथ एक्सरसाइज 3.3 का पहला क्वेश्चन। इसके पहले वाले वीडियो में फर्स्ट सेकंड थर्ड मैंने बताया था, अब यहाँ से फोर्थ फिफ्थ और सिक्स्थ है। क्वेश्चंस तीन क्वेश्चंस है, मैंने यहाँ पे लिखने के बजाय यहाँ पे लिख दिया था गलती से, ठीक है। तो हमें इसको भी सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही बनाना है। सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए हमें प्रीवियस जो वीडियोज 1 और 2, 3 है वो देखोगे तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि हमें इस इक्वेशन से सबसे पहले हमें थर्ड इक्वेशन बनाना होगा, ठीक है। तो चलते हैं फोर्थ सॉल्यूशन के लिए। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि 0.2x प्लस 0.3y इक्वल्स टू 1.3, ठीक है। सबसे हमारा दिक्कत क्या है, आप लोगों में दिक्कत होती है, बच्चे खासकर ये पॉइंट से डर जाते हैं। तो सबसे पहले हम पॉइंट्स हटाने का काम करेंगे। कैसे करोगे, तो फ्रैक्शन चेंज करने के लिए हमारा रूल्स क्या है कि जो भी होगा, जैसा आप ये डेसिमल के बदले में 1 लिखेंगे और इधर कितने डिजिट है 1 डिजिट है, तो ये हो गया। फिर ऐसे ये भी हो जाएगा 3/10y और ये हो जाएगा 13/10, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन सब का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 10, तो ये हो जाएगा 2x + 3y = 13/10। तो जब भी दोनों फ्रैक्शन में हो और दोनों का नीचे का रकम सेम हो और बीच में इक्वल हो तो कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको हम इससे डिवाइड कर देंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा 2x + 3y = 13, इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ठीक है, समझ में आ गया होगा। सेकेंड में बिल्कुल ऐसे ही करेंगे, 0.4x है और प्लस 0.5y = 2/3 है। तो इसमें हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हमें पता ही है क्या हुआ था। तो 5y / 10 = 23/10, इसका भी एलसीएम अगर हम लेना चाहेंगे तो 4x + 5y = 23/10 कैंसिल आउट हो गया। तो सो 4x + 5y = 23, ये हमारा सेकेंड नंबर इक्वेशन हो गया। अब फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन आपको फाइंड आउट हो गया। अब हमें क्या करना, फर्स्ट इक्वेशन से, यानी कि अब यहां से हमें, हालांकि ये क्वेश्चन हमें यहाँ सॉल्व करना चाहिए था, लेकिन चलो अब हम यहाँ कर रहे हैं। तो हमें क्या करना है, फ्रॉम फर्स्ट, अब हमें फ्रॉम फर्स्ट से ये करना है ना 2x + 3y, तो ये हो गया 2x + 3y = 13। ध्यान देना, अब यहां से हमें x या वाई किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं ना, तो 2x = क्या हो जाएगा 13 - 3y, सो x = जो होगा ये इंटू में है ना, डिवाइड में चला जाएगा 13 - 3y / 2, ये इक्वेशन नंबर 3। तो यही स्टेटमेंट होगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड में हमें पुट करना है। अब हमारा सेकेंड इक्वेशन क्या है, ये है, तो ये कैसे करोगे, तो 4 और इंटू में ये x के जगह पर ये सारा रहेगा 13 - 3y और अपॉन में क्या है 2, ठीक है, ये ब्रैकेट के अंदर होगा। और फिर यहां पे क्या है, प्लस का 5y और = 23, ठीक है, क्लियर, समझ में आ रहा होगा। अब ये 2 1 = 2 और 2 2 = 4, अब ये नीचे का कैंसिल आउट हो गया। अब 2 को इससे मल्टीपल करेंगे तो 26 होगा और ये प्लस में ये माइनस में, तो माइनस का 6y हो जाएगा और +5y = 23। अब ये कांस्टेंट है ना, उस साइड में जाएगा, यहां पर माइनस का 6y और प्लस का 6y, तो क्या बचेगा, माइनस का 6y बचेगा, क्योंकि ये एक प्लस में और एक माइनस में, इसलिए हमने इसको माइनस कर दिया। अगर ये दोनों माइनस में होता तो जमा कर देते, ठीक है। तो अब ये 26 कहां जाएगा, इधर, तो ये हो जाएगा माइनस का 26, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, -3। अब माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे तो y = क्या हो जाएगा 3। अब हमें y की वैल्यू किस में रखना है, इक्वेशन नंबर 3 में, ठीक है। तो पुट y इन इक्वेशन नंबर 3, तो 3 में जब हम रखेंगे तो क्या आएगा हमारा रिजल्ट, x = 13 - 3 × 3/2, तो ये हो जाएगा 13 -
नाइन अपॉन में टू, तो ये हो जाएगा फोर अपॉन में टू, कैंसिल आउट करेंगे तो टू आंसर होगा, है ना। समझ में आ गया, यहाँ पे हमें क्या रखना था, वाई की जगह पर थ्री, तो थ्री थ्री नाइन में से थर्टीन जाएगा तो फोर, और फोर को टू से डिवाइड करेंगे तो टू आंसर आ गया। तो इस तरह वाई की वैल्यू थ्री और एक्स की वैल्यू टू, आंसर कंप्लीट हो गया। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर फिफ्थ करने के लिए, ठीक है। अब ये नोट डाउन कर लेना आप लोग, अब हम इरेज करने जा रहे हैं। ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर फोर्थ था, अब हम क्वेश्चन नंबर फिफ्थ के बारे में बात कर रहे हैं। और तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है कि हमेशा थर्ड इक्वेशन फाइंड आउट करना होता है ना। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर फिफ्थ हो गया, जो रूट टू एक्स प्लस रूट थ्री वाई इक्वल्स टू जीरो है, इक्वेशन वन लेट कर लो, और रूट थ्री एक्स और प्लस ये सॉरी माइनस है। अब यहां पे जो रूट एट है, रूट एट वाई इक्वल्स टू जीरो, अब रूट को हम कैंसिल कैसे करेंगे, देखो रूट एट है ना ये, तो हमें फैक्टर करेंगे तो टू इंटू टू इंटू टू होगा, दो एक पेयर मिल रहा है तो एक पेयर का बाहर कर देते हैं, तो इसका आंसर हो जाता है टू रूट टू। तो रूट एट की जगह पर हम वो वाली रकम लिख सकते हैं, तो रूट थ्री एक्स माइनस टू रूट टू वाई इक्वल्स टू जीरो, ये सेकेंड इक्वेशन हो गया, ठीक है। फिर प्रोसीजर के तहत ही करना है, फ्रॉम वन इक्वेशन वन, चाहे फ्रॉम वन से भी कर सकते हो, तो रूट टू एक्स प्लस रूट थ्री वाई इक्वल्स टू जीरो। तो अगर हम रूट थ्री वाई यहां रखते हैं तो ये टोटल क्या जाएगा, माइनस रूट टू एक्स हो जाएगा, सो वाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस का रूट टू अपॉन में रूट थ्री एक्स हो गया, इक्वेशन नंबर थर्ड हो गया, है ना। अब क्या लिखना है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हमें सेकेंड में वैल्यू पुट करनी है, इसमें पुट करनी है, ठीक है। तो अब हम यहां पे कर रहे हैं क्योंकि स्पेस जो है वो काफी कम है, तो अब यहां पे हमें इक्वेशन क्या करना है, ये वाली वैल्यू जो होगा वो इसमें पुट करना है, इसमें सेकेंड में। तो देखो वाई की जगह पर हमें रखना है ना, तो ये जैसा वैसे ही रहेगा, रूट थ्री एक्स माइनस, अब टू रूट टू जो है ना वो बाहर हो जाएगा, कॉन्स्टेंट हमेशा बाहर हो जाएगा, वाई की जगह पर हमें ये वैल्यू पुट करनी है, माइनस का रूट टू अपॉन रूट थ्री एक्स और इक्वल्स टू जीरो, ठीक है, समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, ये माइनस है ये भी माइनस है, तो प्लस हो जाएगा, रूट थ्री प्लस, और इसको करेंगे तो टू इंटू टू हो जाएगा, क्योंकि रूट को रूट से मल्टीपल करेंगे तो रूट कैंसिल हो जाता है, अपॉन में रूट थ्री एक्स और ये भी एक्स है, इक्वल्स टू जीरो। अब हम क्या करेंगे कि इसको टोटल जीरो ले लेंगे, सॉरी एक्स कॉमन ले लेंगे, तो रूट थ्री प्लस फोर रूट थ्री और इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जीरो। सो एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जीरो अपॉन में ये आ जाएगा, रूट थ्री प्लस फोर रूट थ्री। तो जब कोई भी जीरो के नीचे कोई भी रकम हो, कोई भी डिजिट हो, तो क्या हो जाता, रिजल्ट जीरो आ जाता है। अब जीरो, अब एक्स की वैल्यू तो जीरो हो गई, अब हमें एक्स की वैल्यू किसमें रखना है, थर्ड इक्वेशन में। तो लिखोगे क्या, पुट एक्स द वैल्यू ऑफ, सॉरी पुट एक्स इन द इक्वेशन नंबर थर्ड। तो अब देखो यहां पे क्या है कि जैसे ही आप माइनस रूट टू अपॉन में रूट थ्री और इंटू जीरो रखते हो तो ये जीरो हो गया। तो यहां पे क्या आपने देखा कि एक्स की वैल्यू भी जीरो और वाई की वैल्यू भी जीरो, कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर सिक्स करने के लिए, तो इसे आप देख लो, नोट डाउन कर लेना। अब हम क्वेश्चन नंबर सिक्स के डिस्कस कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर सिक्स, अब क्वेश्चन नंबर सिक्स की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो उसमें हमें क्या करना होगा, तो अब मैं बताने जा रहा हूं क्वेश्चन नंबर सिक्स,
अब सिक्स में क्या है कि फ्रैक्शन है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि जैसे आप फ्रैक्शन वाली रकम है उसको हमें क्या करना होगा, उसे हमें एलसीएम लेकर सिंपल इक्वेशन में करना होगा। जैसे 3/2x माइनस 5/3 वाई इक्वल्स टू माइनस का 2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, तो इन दोनों का एलसीएम कितना होगा, 6 होगा। फिर इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 9x हो जाएगा, और इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 2, और 2 को ऊपर से मल्टीपल करेंगे तो 10 हो गया, और इक्वल्स टू माइनस का 2, ठीक है। नीचे 1 है, अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीपल कर देंगे, तो क्रॉस मल्टीपल में ये तो कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे हो जाएगा 9x माइनस 10y इक्वल्स टू 12, तो इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ठीक है। अब हम सेकेंड इक्वेशन की बात करते हैं, अगेन इसमें है x/3 प्लस y/2 इक्वल्स टू 13/6, इनका भी एलसीएम अगर हम लेना चाहेंगे तो 6 होगा, और यहाँ पे हो जाएगा 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13/6। बताया था ना फ्रैक्शन के नीचे सेम रकम होगा तो क्या होगा, क्रॉस हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये आ जाएगा हमारा 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13, तो ये इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गया। अब यहां पे सेकेंड और फर्स्ट हो गया, अब हमें क्या करना है, फर्स्ट से चलना है, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से चलना है। तो यहां पे है 9x माइनस 10y इक्वल्स टू 12 है, तो 9x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 12 प्लस 10y, सो x इक्वल्स टू हो जाएगा 12 प्लस 10y अपॉन में 9, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर थर्ड हो गया। अब हमें क्या लिखना कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हमें इस क्वेश्चन नंबर सेकेंड में वैल्यू को पुट करना है, क्या तो थर्ड को, ठीक है। x की जो वैल्यू है वो हमें इक्वेशन नंबर सेकेंड में पुट करना है। तो देखो x यहां पे तो 2 बाहर है, तो 2 बाहर हो जाएगा 12 प्लस 10y अपॉन में 9 और प्लस में 3y इक्वल्स टू 13, यही होगा, क्योंकि हमें बिल्कुल यहां पे अब ये कैंसिल आउट होगा नहीं, तो क्या करेंगे ऊपर मल्टीपल कर देंगे, तो ऊपर मल्टीपल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 20y अपॉन में 9 प्लस 3y1 इक्वल्स टू 13। अब हमें क्या करना है, इसका एलसीएम लेना है, इसका एलसीएम क्या होगा, 1 और 9 का 9, तो ये जैसा है वैसे ही रह जाएगा, यहां पे 20y और प्लस में अब इसको मल्टीपल करेंगे तो 27 हो जाएगा, 27y इक्वल्स टू 13, ठीक है। इसको इससे मल्टीपल किया तो 27 हो गया, और ये 1 है, ये 9 से 9 कैंसिल आउट होगा, तो जो ऊपर है वो बिल्कुल सेम हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये 9 को किससे मल्टीपल करना है, 13 से, तो 24 इन दोनों को प्लस करोगे तो कितना आएगा, 47y, और ये हो जाएगा, इसको जब हम प्लस करेंगे तो आंसर जो होगा 117 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 47y इक्वल्स टू 117, और ये कांस्टेंट है ना, इधर जाएगा तो माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 47y इक्वल्स टू, अब हम इसमें माइनस कर रहे हैं, माइनस करने पर ये कितना आ जाएगा, 3 और ये 9, लेकिन यहां पे देखना 3/2 है, 5/3 ठीक है, माइनस 2 है, और यहां पे माइनस होगा, और जैसे ही ये फर्स्ट इक्वेशन हमने किया था तो यहाँ पे माइनस आ गया, और ये भी माइनस में ही होगा। अब ये वैल्यू जो होगा यहाँ माइनस होगा, तो ये माइनस होगा, ठीक है, 24 हो गया, और ये 10y है, सॉरी माइनस हो गया, 10y इधर जाएगा तो प्लस में आएगा,
प्लस में होगा और अपॉन में 9 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस का 24 हो गया, अब ये माइनस 24 होगा, माइनस होगा तो इस साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये प्लस होगा। तो अब हम इसको प्लस करेंगे तो 1 और 2 और 3 एक 4 और 1 144 हो रहा है, ठीक है, 141 हो रहा है। तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 141 अपॉन में 47, तो 3 से डिवाइड हो जाएगा तो y इक्वल्स टू 3 आ गया। अब हमें क्या लिखना है, पुट y इन इक्वेशन नंबर थर्ड। अब हमें y की वैल्यू जो है वो इक्वेशन नंबर थर्ड में रखना है, यहां रखना है, तब जाकर x की वैल्यू आएगी। तो यहां माइनस 12 है प्लस, और यहां पे हो गया 10 इंटू y की वैल्यू कितना है 3 और अपॉन में 9, तो ये हो जाएगा माइनस 12 प्लस 30 अपॉन में 9, और इन दोनों को जब हम माइनस करेंगे तो 18 आएगा, 18 अपॉन में 9 कैंसिल आउट होगा तो 2, तो x की वैल्यू जो है वो 2 हो गया और y की वैल्यू जो है वो 3 आंसर हो गया। और इस तरह करके ये पहला क्वेश्चन का 4th, 5th और 6th तीनों क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू।